करना हमने परमिशन मांगी थी जो कि नहीं मिली, 163 NBSS सिक्योरिटी धारा है उसके तहत संभव नहीं हो पाया। पूरी दिल्ली में पदयात्रा निकालने का प्लान था और उसमें तकरीबन 2000 कार्यकर्ता हमारे रहते हैं, लेकिन वो नहीं रह पाया। इसलिए देश के बनाए हुए संविधान का हम सम्मान करते हैं और इसी संविधान के तहत मैं पुनः नवरात्र में भारत सरकार के नवनियुक्त पर्यटन मंत्री, भारत सरकार और अभी नवनियुक्त सरकार में मंत्री बने हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी, मैं उनको अजमेर दरगाह पर फिर से पुनः चिट्ठी लिखने वाला हूँ कि ASI उसकी जांच करे। और वो चूंकि बहुत प्रतिष्ठित परिवार से आते हैं इसलिए मैंने वहाँ यात्राएं भी की हैं, विगत आपके माध्यम से भी लोगों को पता चला। हमने राजस्थान में 3 यात्राएं की और लाखों लोगों के समर्थन में प्राप्त है कि अजमेर की दरगाह नहीं, हमारा पवित्र हिंदू मंदिर है, उस पर भी हम रणनीति बनाएंगे। और हम राष्ट्रपति महोदय से, हमारा प्रतिनिधिमंडल बहुत जल्दी मिलने वाला है, बांग्लादेश के हिंदुओं को जिनकी हत्याएं हुई हैं उनको मुआवजा देने के लिए हमारी पूरी सेना सशक्त है और महाप्रताप सेना महिला युवा और मेन तीनों प्रमुख विषयों में नवरात्र में हम सदस्यता महाअभियान चालू करने जा रहे हैं। पूरे देश में नए 25 लाख नए सदस्यों बनाने का हमने निर्णय लिया है। कल यह आपने देखा ना कि देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने ट्वीट किया और उसकी पूरी जानकारी दी और आने वाले समय में हम ज्ञान व्यापी उठा के देख लीजिए चाहे और भी देख लीजिए। और मैं निश्चित तौर पर आश्वस्त हूँ कि आने वाले समय में अजमेर की दरगाह पर भी जल अभिषेक होगा और पूजा होगी। वहाँ पे शिवलिंग भी मिला है बता रहे हैं। एकदम शिवलिंग मिला है, हमने साक्ष्य दिए हैं, सरकार उस साक्ष्यों की जांच करे।